नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 31 मई 2021, और यहां पे 1 जून 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, मेटल स्टॉक, आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, और ये तीनों इंडेक्स अब कहाँ पे खड़ा है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है। तो जैसा कि सबसे पहले मैं मेटल से स्टार्ट करता हूँ, तो आज भी मेटल से ही स्टार्ट करेंगे। और मेटल का मैंने एक रेंज बना रखा था, आपको बताया हुआ था कि 5000 के नीचे, अगर ये 5000 के नीचे, ये इंडेक्स, मेटल का इंडेक्स की पहली बात कर रहे हैं हम लोग, ना किसका बात कर रहे हैं, मेटल इंडेक्स। तो जैसे निफ्टी इंडेक्स होता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स होता है, तो मेटल इंडेक्स, तो मेटल इंडेक्स का बात कहा था कि अगर ये 5200 के ऊपर निकलेगा तो आपको मेटल स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को बनेगा। पहली बात, 5200 के ऊपर निकलता है तो। दूसरा, अगर ये 5100 के ऊपर भी निकलेगा तब भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, और नीचे यहाँ ये दोनों लेवल ऊपर, ये दोनों लेवल के ऊपर निकलेगा तो अपसाइड के मूव बनेंगे, जिसके वजह से इसके जो मैक्सिमम स्टॉक है, JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ये सब स्टॉक्स में आपको मूवमेंट बनेगा अपसाइड का। लेकिन नीचे के भी लेवल हैं, 5000 का एक लेवल है इसके पास। अगर ये 5000 का लेवल नीचे ब्रेक कर जाता है तब इसमें सेल का लेवल बन सकता है, फिर वो उन सारे स्टॉक्स में जो अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है वो सेल में जा सकता है। तो अभी हमारा जो ये मेटल इंडेक्स है वो ना तो 5200 के ऊपर निकला है ना 5000 के नीचे गया, यानी ये क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ। आप ध्यान से देखिए तो ये स्टॉक्स, ये पूरा इंडेक्स आपको एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज के बाहर जिस दिन भी और जिधर भी निकला उस तरफ अगर ये ऊपर की साइड में तोड़ेगा तो आप देखेंगे सारे मेटल स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत तेज़ी से ऊपर का होगा। हालांकि आज भी मूवमेंट था क्योंकि इसने 5100 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, और अगर ये 5000 के नीचे ब्रेक करेगा तो ये मैक्सिमम मेटल स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। तो अब स्टॉक्स की बात करें, अगर इसको ध्यान में रखें तो APL अपोलो पे बात करते हैं। APL अपोलो को जब भी लेता है रेजिस्टेंस 1300 का लेता है, 1300 के बाद जो ब्रेक करता है तो वो 1350 तक का एक टारगेट देता है, और ये दो बार भी दिया, 1300 को ब्रेक किया 27 मई को उस दिन भी दिया, और साथ ही 28 तारीख को भी दिया। आज भी क्या किया, 1325 का हाई लगा। अब क्लोजिंग कहाँ किया है, तो क्लोजिंग उसी लेवल पे किया है, यानी ये 1300 के ऊपर जब जब निकलेगा इसमें अपसाइड का मूवमेंट आएगा, और 1300 के नीचे ये जब जब आएगा तो ये डाउनसाइड का मूवमेंट आएगा। तो 1280 के नीचे निकल जाए तो सेलिंग कर सकते हैं 1250 के लिए, 1300 के ऊपर जाए तो 1325 से 1350 के लिए APL अपोलो में बाय का पोजिशन बनाया जा सकता है। कोल इंडिया, इसके तो लेवल बता दिया है मैंने आप लोगों को, लेकिन 160 के ऊपर लेना है। अभी जो लोग बहुत अंदर से ये हो रहे हैं कि भाई मुझे लेना ही है ये स्टॉक्स में पोजिशन बनाना है, उनके लिए जो लेवल निकल के आएंगे वो 150 के ऊपर आएगा। तो देखिए 150 के ऊपर वापस, मैंने एक बार 137 के ऊपर कहा था सेफ ट्रेडर बाय करेंगे, और जो रिस्की ट्रेडर है वो यही 125 के आसपास करेंगे, और सेफ ट्रेडर 137 के पास। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना के दिया हुआ है कोल इंडिया। तो 137 के ऊपर जब गया तो देखिए कितना शानदार मूवमेंट आया। इसी तरह यहाँ पे भी है, रिस्की ट्रेडर के लिए दोबारा से पोजिशन 150 के ऊपर बनेगा, और सेफ ट्रेडर के लिए पोजिशन 160 के ऊपर बनेगा। रिस्की ट्रेडर के लिए 150 के ऊपर और सेफ ट्रेडर के लिए 160 के ऊपर पोजिशन बनेगा। टारगेट इस कंडीशन में 170 से 180 तक का कोल इंडिया में बन सकता है। हिंद कॉपर की बात करें, हिंडालको की बात करें, तो हिंडालको ने बिल्कुल जैसे मेटल इंडेक्स ने एक बॉक्स में अपने आप को फंसाया, तो वैसे हिंडालको ने भी अपने आपको बॉक्स में फंसा दिया। बॉक्स का रेंज क्या है, ऊपर की साइड में 400 का रेंज है, तो अगर ये 400 को ऊपर ब्रेक करे, अप साइड में ब्रेक करे, तो ये आपको 420 के टारगेट देगा, और अगर ये 380 को नीचे ब्रेक करेगा तो ये 360 का टारगेट देगा, 360 रुपये का टारगेट देगा। तो ये रेंज है हिंडालको का, बना के रखिएगा नज़र अपना। हिंडालको के बाद अब हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर में रेजिस्टेंस है 190 का, और नीचे एक सपोर्ट बना रखा है इसने 160 का। 160 के ऊपर जब तक है तो कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, 160 165, ये सारे लेवल इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। 165 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक ये 165 के ऊपर है टेंशन नहीं लेना है, 165 के नीचे आएगा तभी परेशानी होगा। जैसे ही 165 को नीचे ब्रेक करेगा 160 का टारगेट आपको आराम से सेल साइड में देगा। ऊपर के लिए 190 का एक जोन है, 185 भी कुछ लोग ले सकते हैं, 185 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंट इसमें बनेगा अप साइड में। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक है दोस्तों, तो हिंदुस्तान जिंक में जो लेवल है 325 और 320, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है
320 से 325 इसके ऊपर स्टॉक्स रहेगा तो टेंशन नहीं है, इसके नीचे आने पे ही स्टॉक्स में प्रॉब्लम होगा। तो अभी फिलहाल स्टॉक 327 के आसपास की क्लोजिंग है तो कोई टेंशन नहीं है। नया पोजीशन आप 330 के ऊपर 335 के ऊपर बना सकते हैं, इंट्राडे टारगेट 340 से 345 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक में JSW स्टील आगे बढ़ूंगा हिंदुस्तान जिंक के बाद, और इसका देखिए बिल्कुल हिंडालको हो गया, JSW स्टील हो गया, ये सारे एक रेंज में फंस गए। 720 के ऊपर जैसे ही JSW स्टील ब्रेक करे बाय पोजीशन मारी 740 से 50 के टारगेट के लिए JSW स्टील में। जिंदल स्टील की बात करते हैं तो जिंदल स्टील ने भी सेम वही काम किया है, एक रेंज में ट्रेड करा है, यानी मैक्सिमम स्टॉक्स मेटल इंडेक्स में जिस तरह से फंसा हुआ है ऐसे सारे स्टॉक्स एक रेंज में फंस चुके हैं। ऊपर 420 का जिंदल स्टील में एक रेजिस्टेंस है, अगर जिंदल स्टील का ये लेवल कटता है 420 का तो आप देखेंगे नए जोन बनते हुए फिर से 440 460 का टारगेट अपसाइड में देगा। 380 का सपोर्ट, अगर ये 380 को नीचे ब्रेक कर देता है जिंदल स्टील तब तो ये कमज़ोर हो जाएगा और ये फिर ये 360 तक आने की कोशिश करेगा, तो नज़र रखेंगे हम लोग जिंदल स्टील पे भी। मोइल, और मोइल के साथ आगे बढ़े तो अब फाइनली मोइल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ जो जोन है हमारा पिछले बार भी वीडियो में बताया था कि 185-180 इसका इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि स्टॉक इसका रेंज को ब्रेक करके पीछे भी नहीं भागा था तो काफ़ी ऊपर गया था, स्टॉक दोबारा से इसके ऊपर क्लोज करेगा 182-183 तो आपको ये दोबारा से 190 से लेके 195 का नज़र आता हुआ नज़र आएगा। तो आप कल नज़र रखिएगा, जैसे ही 182-183 के ऊपर निकलता है पोजीशन बना सकते हैं 185-190 के टारगेट के लिए मोइल में। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, तो मिधानी जैसा कि मैंने कहा था ये अपना यहाँ मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ करके उस दिन खींच के दिखाया था आप लोगों को लास्ट संडे को जब मैं मंडे के लिए वीडियो बना रहा था। अच्छा दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे कॉल चाहते हैं लाइव मार्केट में उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड में मैंने कहा था ये नीचे आएगा तो कम से कम 185-190 तक आना चाहिए, देन यहाँ से बाउंस करेगा, और नहीं आएगा तब अगर इस जगह पे आ जाता है इस ट्रेंड लाइन के पास में आ जाता है 185-188 तो यहाँ से एक बाउंस करेगा। अगर नहीं आता है और डायरेक्ट अगर ये 195 ब्रेक करता है देन यहाँ पे भी बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 200-205 तक के बनेंगे, और अगर ये 185-188 के आसपास यहाँ मिलता है देन यहाँ से भी बाउंस का पोजीशन बनेगा, यहाँ पर भी अगर जो लोग वेट करना चाहते हैं वेट कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा मोइल के मिधानी के बाद अब है NMDC 190 का रेजिस्टेंस है, 190 के बाद NMDC में 195-200 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल एल्युमिनियम यानी कि नालको की बात कर ले, नालको भी 78 ले सकते हैं, 78 ले लीजिए, 79 ले लीजिए, 77 ले लीजिए, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है नेशनल एल्युमिनियम में। इसके ऊपर निकलने के बाद ही इस स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी आपको, और तेज़ी भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही वो ये 77-76 ये अगर ब्रेक करता है तो आपको 80 तक के टारगेट नेशनल एल्युमिनियम में मिल जाएंगे। रत्नामणि मेटल्स देखिए मूवमेंट आया है आज लगभग 2% का मूवमेंट है, और इंपॉर्टेंट लेवल को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है रत्नामणि मेटल्स। जैसे ही ये 2000 को ब्रेक करेगा आपको 2050 तक के टारगेट दिखाएगा, मैं कई बार से इसको रिकमेंड करता चला आया हूँ, ऊपर 2100 तक का टारगेट डन किया, दोबारा से रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब ये 2000 के ऊपर जाए तब पोजीशन बने ये 2050 के और 2100 के लिए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल में भी सेम 130 के ऊपर निकलेगा, 135 के टारगेट आपको सेल में बनते हुए दिखेंगे। सेल के बाद टाटा स्टील की बात करें, देखिए टाटा स्टील बहुत अच्छे तरीके से 2% का मूवमेंट दिखा है, लेकिन उस तरह का स्ट्रेंथ नहीं है। अभी टाटा स्टील का स्ट्रेंथ बनेगा 150 के ऊपर, जब ये 150 के ऊपर खुलेगा ना आप देखेंगे इसके नए मूवमेंट 1200 का टारगेट बहुत तेज़ी से आपको टाटा स्टील देता हुआ नजर आएगा। हालांकि टाटा स्टील ने एक छोटे अगर पैटर्न का देखें तो ब्रेकआउट किया है, लेकिन उतना मज़ेदार नहीं है। मज़ेदार मुझे 1250 के ऊपर ये निकले, 1150 के ऊपर निकलेगा तब मज़ेदार बनेगा मेरे लिए। फिलहाल ठीक है, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं 1145 के ऊपर भी रिस्क ले सकते हैं, 1160 से लेके 70 के टारगेट के लिए। वेलस्पन कॉर्प, चलिए वेलस्पन कॉर्प का चार्ट देखें, 155 रेजिस्टेंस जोन है, 155 के ऊपर निकलेगा टारगेट आएगा 160-165 का वेलस्पन कॉर्प में, तो नज़र रखेंगे। ये है दोस्तों निफ्टी के मेटल इंडेक्स और मेटल स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब ज़रा हम आईटी इंडेक्स को लगाएंगे,
और उसके स्टॉक्स को देखेंगे। सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखेंगे कि आईटी इंडेक्स में कहाँ पे लेवल आ रहा है। तो जैसा कि 26,500 का एक रेजिस्टेंस जोन था, मैंने पिछले बार भी बताया था, वो जब ब्रेक करेगा तो आईटी स्टॉक्स में मूवमेंट बनेगा। और इसने मूवमेंट किया, आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा कि कंटिन्यू आईटी के मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिला, काफ़ी ऊपर के साइड में गया। अब यहाँ पर ये अपने आप को कॉन्सोलिडेट कर रहा है, 27,000 का एक रजिस्टेंस जोन है, 27,100 के आसपास में एक रजिस्टेंस जोन है, या 27,300 भी ले सकते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरा जो व्यू बनेगा इस पर कि कब ये स्टॉक्स इस आईटी के स्टॉक्स में अब मूवमेंट फिर नया कब क्रिएट होगा, तो क्रिएट तब होगा जब ये इंडेक्स 27,300 27,400 अगर ये इंडेक्स ऊपर की साइड में काटता है 27,300 से लेके 27,400 तक का, जब आप देखेंगे कि इन आईटी के मैक्सिमम स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो पहले 26,500 को जब ब्रेक किया था या करने वाला था, आपने देखा कि वहाँ पे बिड़ला सॉफ्ट वगैरह सब में क्या तेज़ मूवमेंट आया, माइंडट्री में आया है ना, और विप्रो में आया, ये सब स्टॉक्स में आपको मूवमेंट अच्छा खासा मिला। अब हम नज़र रखेंगे 27,300 का लेवल ब्रेक होने पर, तब जाके ये फिर 27,600 तक के टारगेट को इंडेक्स को टच करेगा, मूवमेंट आपको बहुत अच्छा बनेगा। इस कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स को, मैं सबसे पहले बिड़ला सॉफ्ट को देखेंगे कि बिड़ला सॉफ्ट किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। प्रॉफिट बुकिंग आया जैसे इंडेक्स में आया वैसे यहाँ भी आ रहा है, तो हमारे लिए बिरला शॉप में जो लेवल है, देखिए इसको पहले नीचे आने देते हैं और नीचे आके इसको एक सपोर्ट क्रिएट करने देते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो सपोर्ट जोन बनेगा वो 300 के आसपास बनना चाहिए। 300 से दोबारा जब ये बाउंस करेगा, 300 से जब ये दोबारा बाउंस करेगा ऊपर के जोन में, तब हम लोग पोजिशन बनाएंगे दोस्तों इसमें, और ऊपर के साइड में टारगेट जब लेंगे वो 3040 के आसपास का फिर बनेगा, लेकिन पहले एक बार 300 को टच करने दीजिए। दूसरा आईटी स्टॉक्स की बात करें यानी कि एससीएल टेक वगैरह का, तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये है एससीएल टेक। तो एससीएल टेक भी बहुत अच्छा लेवल पे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 955-960 अगर ये दोबारा ब्रेक करता है, एक टारगेट 920 से 940 वाला टारगेट डन हो गया, 940 से फिर इसने हाई लगा दिया 955 का। अब जब ये 960 को ब्रेक करेगा देन 980 का टारगेट एससीएल टेक दिखाएगा। इन्फोसिस की बात कर ले तो इन्फोसिस नीचे आ जाया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसने होल्ड कर लिया अपने आप का इंपॉर्टेंट लेवल 1380, जो कि बताया भी था मैंने कि 1380 भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। अब ऊपर की साइड में क्या दिक्कत है इसको, दिक्कत है 1420, 1420 को जब ये ब्रेक करेगा देन फिर बाय का पोजिशन बनेगा 1440 और 1460 के टारगेट के लिए फिर यहाँ पर पोजिशन बनाया जा सकता है। तो आप नज़र बना के चल सकते हैं इन्फोसिस में, और अगर इंट्राडे में ये 1402 1405 ये सब लेवल ब्रेक करता है देन वहाँ पे भी पोजीशन बन सकता है 1410 से 15 के टारगेट के लिए। टाटा एलेक्सी ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हो पाया, देखिए ये जब ब्रेकआउट करेगा टाटा एलेक्सी ना ऊपर के लेवल में, तब फिर नया पोजीशन बनेगा, यानी वो ब्रेकआउट चाहिए मुझे 3690 या 3700 ले लीजिए, राउंड नंबर 3700 का, 3700 के ऊपर निकलेगा तो 3800 का टारगेट देगा। माइंडट्री शानदार 2400 का टारगेट डन हो गया, माइंडट्री ने अपने सारे टारगेट डन करके अब निश्चिंत हो गया। अब इसने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ क्रिएट कर लिया, 2300 का, कहाँ क्रिएट कर लिया 2300 का। अब यहाँ पे ये 2400 का रेजिस्टेंस ले रहा है, अब नया ब्रेकआउट 2400 के ऊपर निकलेगा तो बनेगा टारगेट 2500 का, मैंने यहाँ पे कॉल दिया था आप लोगों को 2100 के ऊपर बाय करने के लिए, और वहाँ से देखिए 2400 तक के टारगेट आपको बन चुके हैं माइंडट्री में। अभी हम इसमें कोई भी नया पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। विप्रो भी होल्ड कर रहा है, अब हम 545 के ऊपर अगर विप्रो निकलता है तो 560 के टारगेट के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और चार्ट पे भी प्रिपेयर हो जाएंगे, स्टॉप लॉस 530 का लगा के चलेंगे। टेक महिंद्रा 1000 के ऊपर पॉजिटिव, मैंने कहा भी था कि 1000 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे हम लोग, और 1020 और 1040 के टारगेट के लिए। तो आप देखेंगे तो बिल्कुल अभी की क्लोजिंग है 1025 और हाई है 1030 का, टारगेट अभी 1040 का भी मिलेगा और 1040 के ऊपर निकल जाएगा देन टारगेट 1060 यानी 1060 तक के
लेवल बनेंगे टेक महिंद्रा में। TCS 3200 के ऊपर निकलेगा, 3250 से 3300 का टारगेट। कोफोर्ज की बात कर ले तो 3600 का रेजिस्टेंस है। अपसाइड में अगर ये 3600 ब्रेक करता है तो 3700 से 3800 का टारगेट, और अगर ये नीचे में 3470 3480 ये सब ब्रेक करता है तो 3400 का टारगेट। नौकरी इन्फो एज की बात करिए, वापस इस बॉक्स में आ रहा है। इस बॉक्स में आने के बाद हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा यानी 4600। मैंने अब क्या बोल दिया, इसमें रेजिस्टेंस है उसका 4600। ये जब तक लेवल नहीं कटेगा 4600 का, नया पोजिशन नौकरी में क्रिएट मत करिएगा, इन्फो एज में क्रिएट मत करिएगा। नौकरी के बाद फिर LTI, तो LTI में 4000 के ऊपर निकलेगा, 4100 के टारगेट मिलेंगे। एम्फासिस 2000 का टारगेट डन हो चुका है, अब नया पोजीशन बनेगा 2100 का, लेकिन कब, जब ये 2000 को ब्रेक करेगा तब। जस्ट डायल देखिए, जस्ट डायल 940 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे, 43 के आसपास में। आज इसने ज़बरदस्त नीचे प्रॉफिट बुकिंग किया, वापस स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो ये अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 950 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, 950 के ऊपर तो 975 तक का टारगेट फिर से दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद IT स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब ज़रा फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे, लेकिन फार्मा स्टॉक्स में भी सबसे पहले फार्मा के इंडेक्स को देखेंगे कि फार्मा का इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है। और चलिए चेक करें निफ्टी फार्मा, ये आ गया। देखिए निफ्टी फार्मा का इंडेक्स आप देखिए दोस्तों, मैं फिर से याद दिला दूँ अपने नए व्यूअर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी। अब देखिए यहाँ से मैंने कल बताया था आपको कि भाई निफ्टी का जो IT है, सॉरी फार्मा है, अपना एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ये कल मैंने साफ सुथरा आपको बोला था कि ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने कल ड्रॉ किया था, आपने देख लीजिए कल वाला वीडियो। मैंने कहा था यहाँ से ये सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, अगर ये तोड़ेगा टूटेगा नीचे तो कमज़ोर हो जाएगा, 13500 आएगा तो फार्मा में गिरावट आएगा, लेकिन अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो फार्मा में आज मूवमेंट आएगा। और ठीक उसी हिसाब से मूवमेंट आया फार्मा स्टॉक्स में लगभग, और उसमें भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, वो है 14250 का। वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है निफ्टी फार्मा का इंडेक्स में, देन आप निफ्टी फार्मा के मैक्सिमम स्टॉक्स में बड़े बड़े टारगेट आते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले अजंता फार्मा की बात करते हैं। अजंता फार्मा में जो फाइनल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो 2050 का है, 2050 के ऊपर निकलेगा देन ही पोजिशन बनेगा 2100 के लिए। सपोर्ट है 1900 का, 1900 के नीचे गिरेगा 1850 का टारगेट बनेगा। एलकम की बात करें तो एलकम में भी मूवमेंट आया, लेकिन फिर से रिजेक्शन होकर ख़त्म हो गया। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को इसमें रिमाइंड कराता रहता हूँ, डेली रिमाइंड कराता हूँ, 3100 वाला काम हो गया, 2800 के ऊपर पोजीशन लेना था वो काम हो गया, टारगेट आ गया उसके 3000 वाले। अब हम 3100 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 3200 से 300 के टारगेट के लिए। और विंडो फार्मा में भी मैं बार बार बोलता हूँ 1060 अभी पोजीशन बनाएंगे फंस जाएंगे, पोजीशन बनाएंगे फंस जाएंगे। देखिए जो लोग बनाए होंगे पहले कि अभी ले लेता हूँ अभी ले लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो गया होगा उनको, है ना। इसलिए मैं 1060 के ऊपर बोल रहा हूँ कि लग लीजिए तो 1100 के टारगेट बनेंगे। नीचे से कहाँ तक स्टॉक आ गया यहाँ, बायोकॉन देखिए, बायोकॉन में फाइनल रेजिस्टेंस है 400, लेकिन मैं कल से कितना बार, कल से हज़ार बार पहले भी बता चुका हूँ कि बायोकॉन अभी जिस भाव पे अवेलेबल है ये उसका भाव नहीं है, इसका भाव ऊपर का है। तो जिन लोगों को लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, अपना रिस्क लगा के 10 पॉइंट का रिस्क बन रहा था, 380 पे मिल रहा था, 370 का स्टॉप लॉस, इतना अच्छा स्टॉक में 10 पॉइंट का रिस्क बने तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर 400 तक पहुंचता है तो ऐसे भी 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और लंबा टारगेट 420 से 440 तक का बनेगा। तो अब बायोकॉन देखिए आज 1.5% का मूवमेंट मिला है। केडला हेल्थ केयर 640 के ऊपर निकलेगा तो 660 से 80 का टारगेट। सिप्ला सेम कंडीशन, 960 का रेजिस्टेंस है, जब तक 960 को ब्रेक नहीं करे पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे सिप्ला में। डिवीज लाइफ देखिए 4100 के ऊपर निकलेगा 4200 का टारगेट, ऐसा मैंने सॉरी 4200 के ऊपर निकलेगा यहाँ पे भी बोला था, 4200 के ऊपर निकलेगा 4300 का टारगेट देगा, लेकिन इसने दिया नहीं। कहाँ तक पहुँचा देखिए, इसने हाई लगाया 4300 का तो हाई नहीं लगा पाया, 4280 रुपये का हाई लगा, लगभग 20 पॉइंट बच गया हमारा टारगेट से, फिर रिजेक्शन होकर नीचे आ गया। दोबारा 4200 के ऊपर जाएगा फिर पोजीशन बनेगा, क्या टेंशन है। डॉक्टर रेड्डी 5400 के ऊपर निकलेगा, 5500 के टारगेट और 5600 के टारगेट। लुपिन
देखिए इसी तरह से ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया ना, जैसे कि निफ्टी का इंडेक्स फार्मा इंडेक्स ने लिया था, तो धीरे धीरे ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, 1230 को ब्रेक करेगा, 1250 का टारगेट बनेगा। सन फार्मा 700 के ऊपर पॉजिटिव, 700 के नीचे निगेटिव। अब यह इंपॉर्टेंट सपोर्ट 660, अगर ये 660 के नीचे गिर जाता है सेल कर लीजिए 640 के टारगेट के लिए, और जब तक ये 700 के ऊपर नहीं जाए कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हो, ज़रूरी हो पोजीशन बनाना तो 680 के ऊपर पोजीशन बनाइए, तब इस कंडीशन में 700 का टारगेट बनेगा आपको सन फार्मा में। सन फार्मा के बाद टोरेंट फार्मा की बात कर ले तो इसका भी लेवल है हमारा 2800 का, जब तक 2800 को ब्रेक नहीं करेगा कोई पोजीशन हम लोग टोरेंट फार्मा में नहीं बनाएंगे। स्ट्राइड फार्मा नीचे के लेवल, अब मुझे लग रहा है स्ट्राइड फार्मा ने अपना नीचे का काम कर दिया, जितना काम करना था ये नीचे का काम कर चुका है, ये थोड़ा सा रह गया है 740 के आसपास का। हालांकि आज का लो देखे तो 756 था, एक आध लो और लगा दे अगर ये 750 के आसपास टच कर ले 45 तो और थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा कि अब यहाँ पे बाइंग बन सकता है, क्योंकि स्टॉक्स बार बार इसी लेवल से अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करके ऊपर और नीचे चलता है। आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक ने इसी को सपोर्ट भी बनाया था इसी प्राइस को, और यहीं से रेजिस्टेंस भी बनाता है बार बार। तो अब स्टॉक उस जगह पर आ गया है जहाँ पर इसका मेक और ब्रेक इवन लेवल बनेगा। ग्लेनमार्क फार्मा 620 को ब्रेक करेगा तो 640 का टारगेट अभी नहीं लेना है। वोकट फार्मा अभी इसको और थोड़ा नीचे आने दिए, बहुत उछल उछल के ऊपर गया था, आने देते हैं इसको नीचे 600 के आसपास में, 600 के पास जब आएगा तब फिर हम लोग बाउंस होने पे पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल और आईटी स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आता है तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।